नमस्कार, मैं गया से राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं या जो पूरे बिहार में चर्चाएं हो रही है एम्बुलेंस को लेकर और अन्य मेडिकल सुविधाएं के पर जो सवालें खड़ी हो रही हैं विपक्ष का, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग भी क्या नाराज़गी जाहिर करेंगे या क्या सुधार होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और कार्य समिति प्रदेश का सदस्य हैं। हम जानेंगे इनसे कि क्या सरकार को सुझाव देंगे और किस तरह का पहल होनी चाहिए जिससे बेहतर आम जनता को मेडिकल सुविधाएं मिल सके इस कोरोना काल में। बिहार का स्वास्थ्य विभाग NDA बन में जब चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन आई और जो भी स्वास्थ्य विभाग में बीते वर्षों से जो स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियां थी उसको बहुत हद तक से सुधारने का काम चंद्रमोहन राय जी ने किया। पता नहीं किस परिवेश में उस समय मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे और उनको हटा दिया गया। हमें जहाँ तक ज्ञात है कि स्वास्थ्य विभाग में बिना सुशील मोदी जी के कृपा के कोई दूसरे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं मंत्री। जिन पर सुशील मोदी जी का हाथ होगा वही व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी जी का ट्यूनिंग आदरणीय नीतीश जी से बहुत अच्छी रहती है और जब भाजपा जब की सरकार में NDA की सरकार में भाजपा और JDU की सरकार होती है तो शायद बिना सुशील मोदी के मर्जी की वो सरकार नहीं होती है, और यदि सुशील मोदी के बिना मर्जी की सरकार अगर बनी है तो वो तालमेल दिखने को आम आवाम को नहीं मिल रहा है। खास के मैं अपनी व्यथा बताता हूँ कि हमारे कई परिवार के सदस्यगण PMCH में गए और कई मित्रगण गए, कई कार्यकर्ता गए। मैंने 50 बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क बनाने की कोशिश की, एक बार भी नहीं हो सकी। उनके PA जब 10 बार फ़ोन कीजिएगा तो एक बार उनके PA द्वारा उठाया जाता है और कहा जाता है कि मंत्री जी व्यस्त हैं, अभी बातें नहीं होंगी। जब कार्यकर्ता जो 25-30 वर्ष का समर्पित कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए जिस समय पार्टी का 2-4 विधायक होते थे उस समय से वैसे कार्यकर्ता जब सरकार आती है तो लोग आशान्वित होते हैं कि सरकार आई है तो कम से कम कुछ सुना जाएगा, परंतु सुना क्या जाएगा, आज तक उसके पर कोई संज्ञान न लिया गया और न ही कोई वहाँ से सहायता मिली। अब आइए कि ये बिहार स्वास्थ्य विभाग का मंत्री चाहे वो लालू यादव के तेजस्वी यादव रहें, लालू यादव के सरकार में या भाजपा के साथ सरकार में रहें, लेकिन वहाँ चलती वैसी उन्हीं की है आदरणीय सुशील मोदी जी की चलती है। विश्वास सूत्रों से पता ये भी चलता है कि उनके परिवार का ही उसमें दवा सप्लाई या और किसी अन्य प्रकार का जो स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे कार्य हैं जो उन्हीं के ठेके और उन्हीं के द्वारा निहित होता है। अब ऐसे परिवेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी समझें, यदि बिहार में किसी विभाग का भर पीटा है तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग का पीटा है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग का भर पीटा है। हम लोगों को राह चलते विपक्षियों द्वारा आम जनताओं द्वारा पूछा जाता है कि आप लोग तो उसी संगठन और सरकार से हैं, स्वास्थ्य विभाग का ये हाल क्यों। हम लोग झेप जाते हैं और किसी दूसरे प्रकार का जवाब देके टाल देते। गया जिला में भी कई एम्बुलेंस सांसद को द्वारा दिया गया जो कभी चला नहीं और वो बेकार पड़ी है आज तक। यही तो रोना है, यही तो परिवेश में है कि एम्बुलेंस की खरीद सांसद और MLA के द्वारा चाहे किसी दल के रहे हों बड़ी पैमाने पर बीते वर्षों में की गई है। जितना एम्बुलेंस का खरीद सरकारी रिकॉर्ड में है, यदि उतना एम्बुलेंस रोड पर दौड़ता दिख जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि एम्बुलेंस का रोना कोई हो सकता है। अब पता नहीं किस परिवेश में स्वास्थ्य महकमा के लोग एम्बुलेंस का उपयोग ले रहे हैं, पता नहीं खड़ा करके कागज़ पर सिर्फ उपयोग ले रहे हैं या कैसे मेंटेन कर रहे हैं, अब ये तो जांच का विषय है। और मैं तो समझता हूँ कि इस कोरोना काल में जितना केंद्र सरकार ने जनताओं के लिए सहूलियत दिया था वो सहूलियत यदि ज़मीन पर उतर जाती तो आज ये नौबत नहीं होता। केंद्र सरकार ने बहुत सुविधा दिया लेकिन यहाँ के लोगों जैसे जन वितरण, अब जन वितरण में चना तक ल दिया गया लेकिन आम आवाम से जाके पूछिए कितने व्यक्तियों को मिला। आज 2 महीना से मई और जून का लॉकडाउन का घोषणा हुआ है,
आज तक अभी तक जन वितरण से एक व्यक्तियों को कोई एक कनवा का गल्ला नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा लूट है, कोरोना काल में जितना लूट हुआ है इसको उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। मैं तो मांग करूंगा कि जिस जिस महकमे के द्वारा जनता को सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया उस महकमे की जांच हो, खास के कम से कम खाद्यान्न और स्वास्थ्य ये दोगो का जांच यदि हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि भारी घपला और बड़ा घोटाला निकलेगा। बिहार में जितने घोटाला हुए हैं सबसे बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हो सकता है। ये इनका आपने बात सुना कि जो बिहार में घोटाला हुआ है स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अंत्योदय PDS में बड़े पैमाने पर घोटाला है, क्योंकि आज भी गरीबों का जो सबसे रोटी के आज ये अनाज नहीं मिल रही है। आज जो मुफ्त में जो दवाएँ मिलती थी, जो मेडिकल व्यवस्था थी या एम्बुलेंस की जब हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं घोटाले का सिस्टम शिकार हो गया, जिसकी जांच बड़ी अधिकारियों को करना चाहिए या सरकार को कहीं ना कहीं इसकी जांच की जो इनका मांग है कि पूरे प्रदेश में केंद्र को जांच करवाना चाहिए। ये अपने आप में भी एक बड़ी सवाल है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के हैं और सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस तरह के जो हुए हैं बिहार में कहीं ना कहीं गरीबों का लाभ बेहतर नहीं मिला है इस कोरोना काल में। मैं गया से राजेश कुमार, नमस्कार।